अब इसमें आपके दोनों साइड्स इनके स्ट्रेच होंगे, ये जो नेक का साइड होता है ना ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ स्टाइल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डबल चिन पर। ये इतना बड़ा मसला होता है ना, जब अक्सर लोग क्या कहते हैं यार हमारा वजन सही है फिट हो रहा है लेकिन हमारा मुंह इतना बड़ा हो रहा है और हमारी डबल चिन बड़ी हो रही है। और अक्सर ये मसला खवातीन का होता है, सॉरी लेकिन होता है। खवातीन अक्सर मुझसे पूछते हैं डबल चिन कैसे कम करें, डबल चिन कैसे कम करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ एक्सरसाइज बताऊंगा बल्कि कुछ खास बातें बताऊंगा और बहुत सारी मैंने टोटको की और एक्सरसाइजेस की वीडियो देखी है डबल चिन के लिए, कुछ फेक होती हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, सही तरीका क्या है ये भी बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, एंड तक देखना है। कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियोस पे भी बनाऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं कि डबल चिन कैसे खत्म करें, ये शुरू करते मतलब वीडियो शुरू करते। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं डबल चिन पे। तो सबसे पहले समझें, देखें एक बात समझें, डबल चिन को इतना बड़ा मसला नहीं है। जब आप वेट कम करना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले जो फैट जाता है वो आपके फेस से जाता है, कुछ लोगों का नहीं जाता, मूवमेंट फेस से जाता है, फेस जल्दी पतला होने लगता है, ठीक है। फिर शोल्डर, बैक, चेस्ट, कमर, एंड में बेली फैट जाता है, लोअर बॉडी का फैट जाता है। तो अगर आप कार्डियो करेंगे, अगर आप डेली 40 मिनट वॉक करें और अगर आप हफ्ते में 3 दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लें, देखिए पीछे इतने सारे वर्कआउट्स बने हुए आ रहे हैं मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, ये पर्सन ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये मेरा है 10 मिनट वेट लॉस वर्कआउट, यहाँ पे पहले मैं शूट कर चुका हूँ। जिम में जाके अपने कमरे में चंद एक्सरसाइज कर लें जिनसे वजन कम होगा, यकीन नहीं आएगा, ऑब्वियसली लाइन तो अच्छी लिखनी पड़ती है ना। तो इस तरह का वर्कआउट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करें डेली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, आपको डबल चिन वैसे ही खत्म हो जाएगी। कुछ चिन की एक्सरसाइजेस भी बता देता हूँ लेकिन एक बात समझेगा, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती। अगर कोई कहता है ना पूरी बॉडी वैसी रह जाएगी सिर्फ चिन कम कर लोगे यूं करके छूट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाँ आपका मसल टोन हो जाता है, आपकी जॉ लाइन जरा सी टोन जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर फैट है ना फैट, तो फैट डाइट से ही जाएगा, फैट एक्सरसाइज से ही जाएगा, ओवरऑल बॉडी का फैट जाएगा। फैट के जो स्टोरेज एरियाज होते हैं, चाहे वो बेली है, चाहे वो ये है या खवातीन का ये ऊपर का एरिया जो ये कुप टाइप का निकल आता है, ये डाइट से ही जाता है, इसकी खास एक्सरसाइजेस करने से ये नहीं जाता, ठीक है। ये मैं एज पर माई नॉलेज, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। लोग बताते हैं हमने ये एक्सरसाइज की, ये सब ड्रामा होता है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। डॉक्टर्स से अगर डिस्कस करें ना तो डॉक्टर्स आई एम श्योर यही बात करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, फुल बॉडी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। जब उसमें आप पूरी बॉडी को आप थकाते हो, पसीना निकलता है, आपकी सांस फूलती है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, तो पूरी बॉडी से फैट जाता है, सबसे जल्दी चिन से जाता है, ठीक है जी। तो आप ये करें, आप हाई प्रोटीन डाइट करें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और अपना ज़्यादा बैड फैट्स ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं। फालूदा मैं भी खा के आ रहा हूँ, मुझे नहीं खाना चाहिए था, फिक्र हो रही है, अब मेरा भी पेट निकल रहा है, चिन भी निकल रही है। फालूदा शालूदा ना खाएं, गर्मियाँ हैं मुझे पता है, लेकिन गर्मी में ज़रूरी नहीं है गोला गंडा आइसक्रीम फालूदा, आप लीमू पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वो कुछ चीज़ें जो आपने करनी है जो कि नेचुरल तरीका है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि चिन की एक्सरसाइज करना, तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनको करने से नहीं जाएगी डबल चिन, साथ में आपने डाइट करनी है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है जी। ये चीज़ें लाजमी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चिन की एक्सरसाइज करनी है ना, तो जो योगा एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो बताते हैं, सबसे पहले तो आप वार्म अप कर लें। आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट अपने चिन को रखते हुए राइट साइड पे एंड देन लेफ्ट साइड पे 10 टाइम्स करना है, मैं आपको करके बता रहा हूँ, करते हुए मुझे खामोश होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बहुत ज़्यादा उधर नहीं लेके जाएंगे कि आपके जो है नेक में दर्द हो जाए, ठीक है, एक हद तक लेके जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे, बस आपके चिन की स्ट्रेचिंग हो जाए, ठीक है, और ये दोनों साइडों की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, दोबारा देखेगा। आई नो थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन इसी तरीके से एक्सरसाइज होती है ये, 10 टाइम्स आपने करना है, ये आपका वार्म अप हो गया, ठीक है। फिर 10-15 सेकंड्स का गैप देने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपनी चिन को ऊपर लेके जाना है और ऊपर लेके जाने के बाद भी ये जॉ है ना उसको बाहर निकालना है, ऐसे करके ये ऐसे बाहर निकलेगा, बहुत फनी होता है। तो आप सबसे पहले अपनी चिन को ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे जट करेंगे, बाहर निकालेंगे, पहले ऊपर लेके जाएंगे फिर बाहर निकालेंगे, ये भी आप 10-15 टाइम्स करेंगे, दोबारा देख लीजिएगा। मैंने 3 टाइम्स किया, ठीक है, ऊपर एक ही बार लेके जाएंगे फिर 15 टाइम्स अब ये जॉ का ये बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज अब हाफ सर्कल बनाएंगे, लाइक आप अपनी गर्दन यहां लेके जाएंगे, अब इसमें आपके दोनों साइड इनके स्ट्रेच होंगे, ये जो नेक का साइड होता है ना ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। दोबारा एक बार कर रहा हूं, ठीक है, मसल तो स्ट्रेच होगा, मसल तो स्ट्रांग होगा, जब मसल स्ट्रेच होता है तो मसल स्ट्रांग होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और जहां मसल स्ट्रांग होता है वहां फैट ज्यादा नहीं रुकता, ठीक है।
लेकिन साथ में जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज लाजमी है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन इस दफा आप जॉ बाहर नहीं निकालेंगे, आप स्काई की तरफ देख के किस करेंगे। बहुत वेयर्ड है, ये मैं नहीं करने वाला, ये आप खुद कर लीजिएगा। ऊपर लेके जाएंगे और एक किस करेंगे, ठीक है? तो ये वाली एक्सरसाइज आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं आराम से, अकेले कमरे में परफॉर्म करें इस एक्सरसाइज को, स्काई को किस करना है। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, एक एक्सरसाइज और बता रहा हूँ, ये भी 10-15 टाइम्स आपने करना है, ठीक है? बीच बीच में हर एक्सरसाइज के गैप देते हैं और दिन में एक बार करेंगे काफ़ी है, ये फर्क पड़ता है एक हफ्ते में, ठीक है? मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया, मैं खुद ट्राई करूँगा, डबल चिन है ही नहीं, क्यों ट्राई करूँ? मैंने पढ़ा, देखा, सुना, समझा, आपको बता दिया। आप लोग ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें कि इससे आपको फ़र्क पड़ा है या नहीं। कुछ लोग खाली ये ट्राई करके देख लें, कुछ लोग फिर जैसे मैंने आपको बताया साथ में एक्सरसाइज करें, वॉक करें, डाइट करें, उसके साथ ये ट्राई करें, देखें आपकी डबल चिन कैसे जाती है। एक बात और बताता हूँ डबल चिन के हवाले से, हल्का सा जो है ना, हल्का हल्का मसाज भी कर सकते हैं, ऐसे किसी हल्का सा कोई ऑइंटमेंट ले लें, हल्का हल्का मसाज करें, बहुत ज़्यादा प्रेस ना कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, इस अगर पूरे जॉ को आप पूरा खोलें ना, तो ये भी डबल चिन पर प्रेशर देता है, जैसे ऐसे कर गया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खोलेंगे आप कि ये आपके दर्द हो जाए जॉ में, ठीक है? इससे जॉ लाइन भी आपकी बनेगी, इससे भी आपकी डबल चिन पे फर्क पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपको बताई, पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा दें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए दूसरा एक, ये मेरी मेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बनी हुई आ रही है, अभी नज़र नहीं आ रहा। मैंने नया चैनल शुरू किया खावर खान के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीलॉग्स बना रहा हूँ, मैंने जाके अंडे वाला बर्गर बनाया नहीं, खाया, और फिर उसके बाद जाके मैंने एक और फूड आउटलेट पे वो अफवानी बोटी खाई, आगे भी बहुत कुछ आ रहा है, शायद गाय मंडी में जाके भी कुछ बना दूं, तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मजीद वीडियोस के लिए बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक मत कीजिएगा, फिर भी लाइक कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।